अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है बटर पनीर। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, और थोड़ा सा नया सा तड़का है इसमें, लेकिन सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए कि ताकि आप बार बार ये खाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पनीर लिया है 100 ग्राम, प्याज ली है एक बड़ी साइज़ की और उसको बारीक चॉप कर लिया है, और धनिया लिया है, और 1.5 टमाटर लिया है, मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। तो बटर पनीर है तो बटर तो पहले ही डलेगा, तो बटर मैंने लिया है। उसको मैं स्लो आंच पर थोड़ा सा मेल्ट कर दूँगी, ज़्यादा मेल्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो जल जाएगा। तो थोड़ा सा मेल्ट होते ही मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। पनीर को हमें थोड़ा सा सोटे करना है ताकि उसमें जो मैं मसाले ऐड करूँगी उसके साथ वो अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर दे हमें। तो बटर हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, गैस की फ्लेम अभी स्लो ही है, मैं थोड़ी देर के बाद फास्ट कर दूँगी। देखिए मेल्ट हो गया, अब मैं गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दूँगी, लेकिन मसाला डालने के बाद। मसाले में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आप लाल मिर्च ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, लेकिन लाल मिर्च से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हरी मिर्च से ज़्यादा तड़का लग जाता है, और हमें ज़्यादा तड़का भी नहीं लगाना है। तो फिर अब इसमें मैं कुमिन सीड का पाउडर, यानी कि जीरे का भुना हुआ पाउडर जो मेरे पास अवेलेबल रहता है हमेशा, वो मैं ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा काली मिरी का पाउडर। बस अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है पनीर के साथ, और थोड़ा सा जब तक पनीर अपना पानी अच्छे से सोस मतलब ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। गैस की फ्लेम मैंने थोड़ी हाई कर दी है, और इसे मैं अच्छे से हर तरीके से भून लूँगी। ज़्यादा हमें इसे रेड नहीं करना है, बस इसका पानी ख़त्म हो जाना है, क्योंकि पनीर का जो पानी निकलता है ना उसे हमें बस हटाना है। तो ऐसे मैं ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसे थोड़ा चेंज करती रहूँगी ताकि हर जगह पे एक जैसा रहे। बहुत जल्दी बन जाती है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसे बनाने में। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मतलब पानी सारा ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। देखिए ऐसा होना चाहिए, पनीर बहुत ही टेस्टी बनती है, और मेरे घर में तो सबको ही पसंद आई है, तो आप भी ट्राई कीजिए। तो मैं ये सबको बाहर निकाल दूँगी गैस की फ्लेम स्लो करके, और इसमें ही हम आगे की प्रोसेस भी करेंगे। तो देखिए मेरा बटर थोड़ा सा रह गया है, इसी में मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। तो ऑयल तकरीबन मैंने 3 से 4 स्पून डाली है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, अच्छे से डालना ताकि सब्ज़ी हमारी टेस्टी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगे। तो इसमें मैं थोड़े से गरम मसाले जैसे कि तर्ज मैंने डाला है, एक लौंग डाल दी है, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और इसे थोड़ा सा हमें सोटे करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और जो हमने प्याज काटी थी ना एक, उस जो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो गैस की फ्लेम हमारी हाई है, और प्याज डालने के बाद हमें अच्छे से इसे भुनना है, जब तक उसका रंग ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक। नॉर्मली जो हम प्याज को फ्राई करते हैं ना वैसे ही। तो सारी प्याज को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। तो प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए। तो प्याज हमारे शॉर्ट हो रही है, और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1/2 टीस्पून भरकर डाला है, इसे भी अच्छे से हमें थोड़ा पका लेना है। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादातर हमारी रेसिपी एक जैसी ही रहती है, लेकिन कुछ अलग से तड़के रहते हैं और थोड़ा सा अलग रहता है, उससे क्या होता है टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जो टमाटर मैंने 1.5 लिया था उसे मैंने पेस्ट बना लिया है और इसमें ऐड कर दिया है, और जो जार में मैंने इसे पीसा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जितनी और टमाटर की प्यूरी वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें, ताकि हमारी प्यूरी परफेक्ट हो जाए और कोई वेस्ट ना हो। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आपको ये भूल नहीं सकते बनाने के बाद भी, क्योंकि ये सिंपल मेथड है। और बहुत इसमें सारे मसाले मैं थोड़े थोड़े डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, और अब मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून डाली है, और स्वाद अनुसार मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैं अब धनिया पाउडर भी ऐड कर दूँगी।
हाफ टी स्पून। और इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, कुमिन सीड पाउडर, मतलब जीरे का पाउडर। और अब मैं इसमें जो वरिया ली आती है ना हमारी शॉप, उसका पाउडर मेरे पास, वो मैंने पीस के रखा है, वो डालूँगी। आप भी ये सारे मसाले को मतलब रेडी रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ सब्जियों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो मैं भी वही करती हूँ। तो बस कुछ नहीं, शॉफ को हमें भून कर उसे पीस लेना है, और उसको हम स्टोर में किसी भी एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं, ताकि हमारी ऐसी कोई सब्जी हो जिसमें ये ऐड हो सकती है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, आसान रहता है। तो इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, लेकिन मैं इसमें और थोड़ा पानी डालूँगी ताकि इसकी ग्रेवी भी और बढ़ जाए, और मुझे मसाला और थोड़ा पकाना है, तो इसलिए मैं, और इसमें प्याज भी ज़रा सी भी हमें दिखनी नहीं चाहिए, वैसे प्याज सारी गल चुकी है। फिर मैं इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि और अच्छे से मसाला भून जाए। तो पानी मैं तकरीबन आधा ग्लास डाल रही हूँ अभी, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डाल दूँगी। तो इसे हम अच्छे से हिला देते हैं और ढककर इसे रख देंगे। तो मैं गैस की फ्लेम अभी स्लो कर दूँगी, और उसके बाद इसे थोड़ा पकने दूँगी। देखिए ऑयल पूरा अच्छे से ऊपर आ चुका है, तो इस स्टेज पर हमें इसमें पनीर डाल देना है, ताकि पनीर भी इस मसाले में अच्छे से ऐड हो जाए। वैसे पनीर का तड़का बहुत अच्छा लगा हुआ, पहले जो हमने बटर में करा था बहुत अच्छा टेस्ट आया था, तो और इसमें मसाले में ऐड हो के और ज़्यादा बेहतरीन हो गया था। थोड़ा सा ऊपर धनिया मैं थ्रेड करूँगी इस। अब पनीर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे हमें और थोड़ा पकाना है, ताकि मसाले पनीर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों सच में बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आप ट्राई करते हो तो कैसी आपको ये सब्ज़ी लगी मुझे प्लीज़ बताइए। तो देखिए मसाले के साथ मैंने पनीर को अच्छे से भून लिया है, और मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए ना मैं उसमें उतना पानी डालूँगी। तो अगर आपको इस स्टेज पर ऐसी ही मतलब ग्रेवी चाहिए तो आप यहीं पर आप स्टॉप कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और इसे और थोड़ा 5 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी रेसिपी है। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पता चलता है कि सबके टेस्ट अलग अलग और बहुत बेहतरीन टेस्ट रहते हैं। तो देखिए मेरी करी तैयार है, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए क्योंकि मैं अच्छे से सबको सर्व कर सकूं। तो बस सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।